इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईसीआई ने किस डेट से जीएसटी और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए यूडीआईएन नंबर को मेंशन करना जरूरी कर दिया है। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने प्रेस विज्ञप्ति रिलीज़ किया है जिसमें कि कहा गया है कि 379 मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि चार्टर अकाउंटेंट जो भी सर्टिफिकेट्स या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे उसके लिए यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर देना जरूरी होगा, यानी कि प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट जो भी सर्टिफिकेशन इशू करेंगे 1 फरवरी 2019 से उन्हें यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर यूज़ करना होगा। इसके अलावा जीएसटी एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो इशू की जाएंगी 1 अप्रैल 2019 से उसके लिए भी यूडीआईएन मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके अलावा जितने भी टेस्ट फंक्शन चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाई किए जाएंगे 1 जुलाई 2019 से उनके लिए भी यूडीआईएन नंबर मेंशन करना कंपलसरी हो गया है। इससे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 1 फरवरी 2019 से सभी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जरूरी कर दिया था कि यूडीआई नंबर मेंशन करें सर्टिफिकेट्स पे। अब सेकंड फेज शुरू किया गया है, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से जो भी जीएसटी या फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाएंगी उसमें यूडीआई नंबर मेंशन करना जरूरी होगा। इसके अलावा यदि बैंक ऑडिट्स किए जा रहे हैं और वहाँ पर रिपोर्ट इशू की जा रही है तो वहाँ पर भी यूडीआई नंबर मेंशन करना जरूरी होगा। इसके लिए चार्टर अकाउंटेंट को यूडीआईएन पोर्टल पर जाना है udin.ica.org और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ से यूडीआई नंबर जनरेट करना है। इसके लिए FAQs पोर्टल पे दिए गए हैं और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 01130110480/444। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिक्वेस्ट की है कि वो जल्द से जल्द यूडीआईएन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लें और उसके बाद वहां से सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट को इशू करें। यूडीआई नंबर क्या है और ये नंबर किस प्रकार यूज़ करना है इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियोज़ बनाई हैं जिनके लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।